जय श्री श्याम, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल खाटू वाले की जय। गुड मॉर्निंग इन खाटू श्याम में। चाय कुल्लड़ वाली सुबह सुबह, पहले तो बाकी आगे का नजारा बिगिंस। आज सुबह पहुंचा 5 बजे खाटू श्याम, ये धर्मशाला जिसमें मैं रुका रात को। और भैया एक बात, एक भाई से बोलना चाहूंगा जिनकी धर्मशाला थी। भैया अभी की धर्मशाला है? भैया यार ये बाथरूम इतना क्यों गंदा रखते हो भैया? कौन सा रूम था आपका भाई? 104 नंबर था मेरा। ये बाथरूम है भैया इनका, कमाने से मतलब है बस। ये देखो भाई, इस टाइम खाटू श्याम में हूँ मैं, और खाटू श्याम की धर्मशाला का ही बाथरूम है। इतनी गंदगी है यार सारी चीज में, बस क्या बोलूं भाई। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। बस चार्ज लिया, और मतलब यार कोई ग्राहक आ रहा है, कोई इतनी दूर से आ रहा है बेचारा, से कम साफ सफाई तो दो यार। इनका एसी वाला रूम है। क्या भाई बहुत गंदा रूम था यार ये, लगा लो भाई सीट भी, ये लगा लो भाई बैठा नहीं गया बिल्कुल भी। और भाई इधर पान वान के जो थूक रखे है ना भाई, एक बार भाई इनका थोड़ा ध्यान रखे करो। मैं आपसे वो नहीं कह रहा, मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा, बंदा ना बहुत दूर से आता है भाई। आपकी सारी बात एग्री है। कई यात्री ऐसे होते हैं गुटखा खाने बस थूकना। अब देखो मैं बस ये है कि इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा गलत संदेश जाएगा लोगों को। क्यों संदेश जाएगा? क्योंकि देखो खाटू श्याम आ रही है, पब्लिक आ रही है, आपको भी पता है जय श्री श्याम होती है हर जगह। बहुत से लोग आते हैं, वो इसलिए तो आते हैं कि भाई उन्हें अच्छी सर्विस मिले। अगर वो बाबा के यहाँ आ रहे हैं थोड़ा सा, आपके रूम का 800 रुपए चार्ज था आपके बंदे ने, मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, मैंने थोड़ा कम, उन्होंने कहा नहीं कम नहीं होगा। मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप ले लो चार्ज एसी रूम का, कोई बात नहीं। रात को जब आप आए थे छोटा भाई था, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है भाई कि थोड़ा लोग बाग जब आए ना उनसे तो थोड़ा उन्हें साफ सफाई भी आप दो। आपको नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी बताओ। क्योंकि भाई देखो इसका प्रचार गलत जाएगा, क्या धर्मशाला कौन सी है भाई आपकी? ये भाई है मेरे साथ धर्मशाला वाले, दिल्ली वाले श्री श्याम वाली, श्री श्याम भाई। रिक्वेस्ट करो, प्रॉमिस करो यहाँ के आप सबको भाई की अच्छी सर्विस दोगे, और अच्छी नेक्स्ट टाइम आप आओगे जब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल साफ सुविधा क्लीन मिलेगा आपको सबको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी आओगे ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ भाई थोड़ा क्योंकि ना पान वान और सारी चीज भाई, और मर्ड इतना गंदा था, कुछ बहुत गंदा है, अंदर से ये भी निकालनी पड़ती है। अरे भाई यार चलो वो तो खैर लोगों की अपनी समझ है, अगर उनमें इतनी धार्मिक स्थल पे आ रहे हैं, अगर अब इतनी समझ नहीं आ रही तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं मुझे, इस फैन से मुझे क्या दिक्कत होगी भाई। आपको अंडरवियर सुखाना है इसी के ऊपर, टॉवल इसी के ऊपर सुखाना है। अरे ये गलत बात है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, देखो अपनी तरफ से भी लोगों की बहुत सी गलती होती है, तो उन चीजों को अगर अवेयर करो, ये थोड़े नोटिस वगैरह आप डाल दो तो ज्यादा ठीक है। क्योंकि भाई पब्लिक बहुत दूर से आती थकी यारी, कल हमें पता है लिटरली भाई 5 बजे मैं सुबह यहाँ पहुंचा, भाई मुझे कुछ और ना दिखा, बस यही मैं आकर रुकता हूँ हमेशा, इसलिए मैंने आके भाई से बात करी। नेक्स्ट टाइम कभी भी आओगे तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यही तो है, यही खड़ी हमारी गाड़ी, यहाँ मैं खड़ी है पार्किंग में। बहुमंजिला इमारत बनने वाली है पार्किंग के लिए यहाँ पर, ये हमारी पार्किंग है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी है। पार्किंग का चार्ज है 100 रुपए, 100 रुपए। सारा सामान सट्टा गाड़ी में ठिकाने लगाने के बाद अब तैयारी है मंदिर की तरफ, जय श्री श्याम। और बाकी जो ये मैंने तुम्हें दिखाया है ना सब, जो सिस्टम था यहाँ का, उस पर थोड़ा जरा गौर करना, अब चलते मंदिर की तरफ, झड़पड़ आ जाओ। गर्मी ने यहाँ प्रचंड रूप ले रखा है, वो बात अलग है कि हमारा कुछ ना बिगाड़ पा रही, पर वाक्य में प्रचंड रूप ले रखा है गर्मी ने। माहौल है पूरा खाटू श्याम जी का, बोल श्याम प्यारे की जय, जय श्री श्याम। परिक्रमा हो रही है, वे जाल से ना बने रहे हैं जिनसे भीड़ भीड़ कम रहे हैं, जिनसे अपना भीड़ संतुलन में रहे हैं, किसी कोई धक्का मुक्की ना होवे। वह सुरंग में तो लिगड़ के जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। भीड़ तो नहीं है भाई मंदिर में ज्यादा, पर बहुत ही अच्छा सिस्टम लगाई है, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। एंट्री गेट
आइए लगा रखे हैं कूलर बड़े वाले, एसी फेल है भाई इनके आगे, कितनी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ठंडी, और गर्मी का पूरा पुख्ता इंतजाम कर रखा है। यहाँ भवन में आके तो बिल्कुल गर्मी ना लग रही भाई, बहुत अच्छा, इतनी ठंडी हवा आ रही है इनकी, बहुत ही ठंडी। बोल श्याम प्यारे की जय। भाई दर्शन करके आगे, बहुत बढ़िया अच्छे दर्शन हुए, और प्रशासन भी बहुत अच्छा है, सब सपोर्ट करते हैं, और लोग बहुत अच्छे हैं जो समर्थन करते हैं, और जो लाइन में लगे हुए थे किसी ने कोई धक्का मुक्की नहीं करी, बहुत बढ़िया दर्शन हुए और बहुत देर तक दर्शन हुए। सब आए, थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, अपना सेफ्टी के साथ आए, जैसे कि रास्ते बीच में, उस बात को डिस्कस करूंगा मैं। कल रात को हमारे साथ थोड़ी सी दुर्घटना हो गई थी, गाड़ी का थोड़ा सा टायर वायर फट गया था, एक आध घंटा थोड़ा समय वहाँ खराब हुआ हमारा। एक बात और ऑब्जर्व करने को मिली है, यहाँ लोग बाग जैसे ऐसे हाथ करके सेल्फी ले रहे हैं, और सेल्फी लेकर कोई आदमी किसी न किसी से टकरा जा रहा है हाथ कैमरा से, और फिर वहाँ का क्या हो रहा है, फोटो वोटो ब्लर हो जा रही है, वीडियो वीडियो सब ब्लर हो जा रहे हैं, पर हमारी ना हुई अब तक। एक ये चीज थोड़ी फनी है, ऑब्जर्व करी है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये चीज थोड़ी फनी मैंने ऑब्जर्व करी, तो यह हमारा सोचा तुम्हें नोट सूचित कर दूं, बता दूं ये बात के बारे में। बाकी प्रशासन बहुत बढ़िया है, बहुत टॉप के दर्शन हुए, बहुत मजा आएगा। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। बहुत ही स्वादिष्ट असली मेवे से तैयार, पेड़े ले लिए घर के लिए, हो गए तैयार, पैक कर दो भाई। प्योर मेवे से युक्त पेड़े घर के लिए, अब चल दिए गाड़ी की तरफ, झड़ पेड़ गर्मी ध्यान में रखते हुए। एक चीज और, यहाँ मार्केट में किसी अपना बाबू सोना का नाम वाम लिखवाना हो तो यहाँ ऐसे भी मिलते हैं, आके अपना लिखवा लेना, ठीक है, दिल विल लगे पड़े, संजय, पूजा, मनोज, मुस्कान, ऐसे भी मिला है यहाँ। देख लो भैया, कलाकारी को सलाम है, ये चावल के दाने पर नाम लिख के, और भाई ने हमें पिरो रखा है, हमें ऑयल घेर के, रोशा लिखा हुआ भाई नाम, ये चावल के दाने पे लिखा हुआ नाम, बिल्कुल हकीकत बात है। ये देखो चावल के दाने पे नाम लिख रखा भाई ने, ऐसा ऐसा प्रचंड टैलेंट हमारे हिंदुस्तान में। भाई का नाम क्या भाई? राज। राज खाटू श्याम मंदिर के जस्ट बाहर मार्केट में लगाते हैं ये, आए चावल के दाने पे नाम लिखवाए अपना। भाई का टैलेंट देखो, बोतल में भी तन्नु तक पहुंचा देना ये वीडियो। जो तन्नु हो, तन्नु तेरा नाम यहाँ लिखा पड़ा जी। परी, पापा की परी, पापा की परी भी यहाँ मिल गई चावल के रूप में, यहाँ है, तन्नु तक जरूर पहुंचा देना ये वीडियो भाई। और भाई सब जगह के दर्शन करके, भगवान खाटू श्याम वाले की दर्शन करने के बाद भाई निकल चुके हैं हम घर के लिए। और एक चीज का विशेष तौर पे यहाँ ध्यान रखे भाई, जैसे कि मैंने बाथरूम आपको दिखाया, लोग बाग बहुत दूर से आते हैं, और जब उन्हें इस तरह की गंदगी गेस्ट हाउस में मिलती है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हालांकि वो खर्च करते हैं, सर्विस भी उसी तरह से अच्छी चाहते हैं। यही बात बोलना चाहूंगा कि भाई बाबा श्याम खाटू श्याम वाला सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, पूरे संसार का उद्धार करे और सब लोगों का कल्याण करे भाई, हमारे देश के अंदर खुशहाली बनाए रखे, सबके मन में एक दूसरे के लिए एकता का भाव बनाए रखे, सबके लिए, सबके मन में एक दूसरे के प्रति प्यार बनाए रखे। जय श्री राधे, जय हिंद, जय श्री राम भाई। और जल्दबाजी के चक्कर में ही एक्सीडेंट यार रोड पर हो चुका है, इतना भयंकर एक्सीडेंट। कहाँ के रहने वाले भैया, कहाँ जाओगे आप? इनको भैया को हॉस्पिटल पहुंचवा दिया भाई, हम जो वो थे उधर की तरफ हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहे थे, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे एक हॉस्पिटल है, जिधर की तरफ उनको जाना था उधर की तरफ ही हॉस्पिटल की तरफ उनको भिजवा दिया है। और भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई, कभी हाईवे पे आप जाया करो तो भाई थोड़ी सावधानी ऐसे बरता करो, बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट ये हुआ पड़ा था, और सच्ची में भाई
शुक्र है इस चीज का कि उनकी जान बच गई। गाड़ी घोड़ा तो चलो ठीक हो जाएंगी, साड़ी सुसरी है, पर उनकी जान बच गई है सबसे बड़ी बात है। और थैंक भाई श्याम बाबा का कि उनको बचा लिया, उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया है भाई। ठीक है, आप सब भी अपना इस सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखें कि गाड़ी नियम अनुसार चलाएं, रोड पर सड़कों पर पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ चलाएं, लिमिट में रखें गाड़ी की स्पीड और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अपना धैर्य बना के गाड़ी चलाएं। ठीक है भाई।